मैं हूं नीरज और आप है शिक्षा सुधार के साथ बिहार शिक्षक बहाली 2023। सातवें चरण के बड़े आंदोलन के बीच प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों को क्या लगा है बड़ा झटका। प्राथमिक स्कूलों में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा लेटर जारी हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया का एक बड़ा लेटर आपके स्क्रीन पर है। कई महीनों से ट्रांसफर पोस्टिंग पर चर्चा हो रही थी और अब बड़ा लेटर जारी करके शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद ही सातवें चरण के शेड्यूल पर कुछ बात होगी। और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, सीटों के सामंजन के संबंध में भी एक बड़ा लेटर, यानी सीटों का रेक्टिफिकेशन के लिए भी एक बड़ा लेटर जारी किया गया है। आप समझ सकते हैं, एक तरफ सीटों का रेक्टिफिकेशन, दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग। पहले ट्रांसफर पोस्टिंग के लेटर से आपको रूबरू कराते हैं क्या खास है इस लेटर में। विषय है ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु विकल्प के साथ आवेदन समर्पित करने के संबंध। आगे लिखा है राजकृत प्रारंभिक विद्यालय में पदस्थापित जिला संवर्ग के मैट्रिक प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित बिहार के प्रधानाध्यापकों के ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु सरकार द्वारा अद्यतन प्रख्यापित नियमावली की कंडिका 5 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में स्थानांतरण हेतु इच्छुक जिला संवर्ग के मैट्रिक प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों से उनके पद हेतु उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध निम्नांकित विहित प्रपत्र में 3 विद्यालयों के विकल्प के साथ आवेदन अधोहस्ताक्षरित के ईमेल एड्रेस dowchamparan.edn@gmail.com पर दिनांक 30 मई 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि तक आवेदन करने वाले शिक्षकों के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। आप फॉर्मेट देख सकते हैं, इसी फॉर्मेट को भरने के बाद ईमेल एड्रेस पर सेंड करना है। ऐसे में 3 विद्यालय आपको चुनना है और तीनों में से कोई एक विद्यालय आपको दिया जाएगा। स्थानांतरण जो पिछले कई सालों से लंबित पड़ा था, नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल के बाद अब स्थानांतरण का मुद्दा समाप्त हुआ और अब आम जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण के संबंध में बड़ा लेटर जारी हुआ। पर बड़ी बात यह है, क्या सातवें चरण शेड्यूल को लेकर बड़ा आंदोलन जो गर्दनी बाग में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का चल रहा है, इस बड़े लेटर के बाद क्या आंदोलन से आम अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा? क्योंकि करीब करीब 2 से 2.5 महीने लगेंगे स्थानांतरण के इस पूरे प्रक्रिया को पूरा करने में। ऐसे में अब आंदोलनरत अभ्यर्थी भी अपना कमर कस चुके हैं। आम अभ्यर्थी लगातार पिछले 15-16 दिनों से गर्दनी बाग में डटे। शिक्षा विभाग के 2 बड़े लेटर, 2 दिन पहले बड़ा लेटर जारी हुआ सीटों के सामंजन के संबंध में और अब ट्रांसफर पोस्टिंग का यह बड़ा लेटर जारी हुआ। इन दोनों लेटरों से क्या यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार शिक्षा विभाग सातवें चरण के शेड्यूल को लेकर उदासीन है? क्योंकि दोनों ही प्रक्रिया में आप समझ सकते हैं समय लगेगा। पहले सीटों के सामंजन के संबंध में जो बड़ा लेटर जारी हुआ, रेशियो अनुपात आप समझे कि प्राथमिक विद्यालयों में 70 छात्रों पर एक शिक्षक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 78 छात्रों पर एक शिक्षक। ऐसे में सामंजन के संबंध में बड़ा लेटर जो जारी हुआ, 2 दिन पहले हमने आपको रूबरू कराया लेटर से और आज के रोज ये बड़ा लेटर ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में 3800 जिले के नियोजन इकाई को निर्देश दिए गए हैं और लेटर से हमने आपको रूबरू कराया। ऐसे में सातवें चरण का जो आंदोलन है शेड्यूल के लिए वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आम अभ्यर्थी हताश न हो, वक्त आने दे बता देंगे तुझे अयास माँ, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है सर फड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सातवें चरण शेड्यूल को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसको मजबूत करने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और अन्य अभ्यर्थियों तक शेयर करें। साथ में अगर आप बिहार के बाहर से BA, DL, MEd, PG की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।